सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है सामने निकल के आई है। महाजंगल राज का आगाज हो गया है फिर से एक बार। वहीं बता दे आपको कि राजधानी पटना में दिन दहाड़े दुकानदार को पैसे नहीं देने पर जान मारने की जो धमकी है वो दी गई है। बता दे आपको कि पटना में दिन दहाड़े मिठाई दुकान में घुसकर रंगबाज और रंगबाजी को लेकर रंगदारी मांगी है। वहीं बता दे आपको कि कहा जा रहा है कि बहुत माल कमा ले है, ठीक से जायला हो तो लाख रुपया दे, न तो पैसा नहीं मिलने पर दुकान मालिक को 24 घंटे में मार देने की धमकी दी गए। वहीं बता दे आपको कि पूरा व्याख्या जो है वो सीसीटीवी में कैद है। बिहार के सुशासन के दावे के बीच लगातार बिहार में अपराध से जनता हलकान है। वहीं इस बीच राजधानी पटना में निजाम में सहयोगियों के बदले ही सहमे व्यापारियों का डर सच साबित होने लगा है। बता दें आपको कि इसकी बानगी जो है देखने को मिली है। वहीं बता दें आपको कि अगमकुआं थाना क्षेत्र में जहां इलाके का कुख्यात अपराधी करण उर्फ कल्लू यादव ने अपने गुर्गों के साथ इलाके के कई मिठाई दुकानों में घुसकर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। वहीं बता दें आपको कि केवल रंगदारी मांगी नहीं है बल्कि जमकर गाली ग्लौज करते हुए झाप गिराया है। वहीं बता दें आपको कि वहीं घटना में सहमे अगमकुआ मंदिर के समीप स्थित माँ शीतला स्वीट्स के मालिक और उसका स्टाफ अनजाने खौफ से डरा हुआ है। रंगदारी की मांग के दौरान स्थानीय रंगदार और उसके गुर्गे जो हैं उन्होंने दुकान में धक्का मुक्की भी की है और जाते जाते साफ साफ धमकी दी है कि जिसका जो परिणाम है वो आगे भुगतने को मिलेगा अगर पैसा नहीं मिला तो। वहीं बता दे आपको कि विकेट जो है वो गिरा देंगे, ऐसा धमकी दिया गया है। वहीं बता दे आपको कि यानी 24 घंटे में दुकान के मालिक को मार देने की धमकी दी गई है। पूरा व्याख्या जो है वो सामने निकल के आया है सामने। वहीं बता दे आपको कि सीसीटीवी कैद फुटेज भी सामने निकल के आया है। तस्वीरों के माध्यम से आपको छोड़े जा रहे हैं।